रेस्टोरिंग फोर्स नहीं आ रहा है तो मैं इजी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम मान लो घर में बैठे थे, तो मान लो कि तुम्हारे पापा ड्यूटी से घर वापस आए, तो तुम्हारा बुक का पेज कैसा हुआ? ओपन हुआ। ओके, पापा ने जब तक घर में खाना खा रहे थे तब तक ऐसे ही थे। उसके बाद पापा ने दोबारा क्या होगा, मार्केट चला गया, तुम्हारा बुक का पेज धीरे 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 तो बंद हो गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस तुम्हारे अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स था वो क्या इसको बंद कर देता है। बोला नहीं भाई, अभी पापा चला गया तो अभी हम पढ़ाई बंद कर देते, ऐसा तो एक नॉर्मल चीज होते हैं। तो से वो एक स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लिया तो फोर्स दिया तो थोड़ा दूर दूर चला गया, फिर उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स था अंदर की तरह। ओके, जैसे ये वाला हट गया तो ये वाला फिर वापस आ गया। तो जो इस तरीके से दे रहा है वो हो गया तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो मान लो कि अंदर की तरफ हो रहा है उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, ये जो बाहर वाला फोर्स है ना, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं प्रेशर, और रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस। और जो क्या होता है कि देखो मोस्टली बच्चे क्या होता है, एग्जाम से पहले पूरा इलास्टिक होती है, एग्जाम नहीं है तो पेरेंट्स आया तो ऐसे ओपन हो गया, पेरेंट्स चला गया तो ऐसे बंद हो गई, ठीक है ना। फादर मान लो कि ऑफिस से घर में आया तो ऐसे ऑन हो गया बुक, और जैसे ही मतलब मार्केट चला गया तो बुक बंद हो गया, ठीक है ना। तो एकदम परफेक्टली जो है इलास्टिक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी व्हेन एवर वी आर रिमूविंग द दैट इज इज डिफॉर्मिंग फोर्स, इट विल कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग जो स्ट्रेस बोल लेते हैं, स्ट्रेस का भी टाइप होती है। ओके, उसमें देखो स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस, सीधे सीधे खींचा, सीधे सीधे खींचा, ओके क्लियर, ऐसे ऐसे खींचा। ओके बेटा, तो क्या हुआ, तो दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ओके क्लियर। जैसे मान लो कि कभी कभार होते हैं कि पेरेंट्स के मतलब फादर के मान लो काफी ज्यादा हाइट है, ठीक है ना, और बच्चे थोड़ा सा मान लो ये, तो उसको मान लो कि जैसे बाल पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया, ठीक, एक दो बाल टूट जाते कोई बात नहीं, फिर तो मान लो दोबारा बन जाते, तो बाल पकड़ के सीधे खींच दिया, तो कौन सा स्ट्रेस हुआ, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, क्या होगा, बाल में जो फोर्स लग रहा है और तुम्हारे जो हेड का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका एरिया से डिवाइड, तो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। ओके क्लियर। दोस्त ने मान लो कि टिफिन मान लो कि तुमने उसको नहीं दिया तो तुम्हें मान लो जो है ना गुस्सा, मान लो पीट रहे हैं, मान लो दबा रहे हैं, ऐसा करके कर रहे हैं, दैट इज क्या हो गया, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। ओके क्लियर। और कभी कभार देखो कि छोटे बच्चे हैं, मतलब 9th 10th का है, 11th 12th का कोई बच्चे उसका हाथ को मोड़ देते हैं, है ना, ट्विस्ट कर देते हैं, तो उसके मतलब कुछ छोटी सी थीटा एंगल में उसका ट्विस्ट हो जाती है, वो थीटा को हम लोग जो चेंज होता है ना उसको ट्विस्ट करने के लिए जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस। ओके बेटा, और इसके बाद फिर हम लोग को इधर भी पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेन भी। स्ट्रेन क्या हो भाई, स्ट्रेन ऐसा हुआ, ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है कि जैसे किसी ने फादर मान लो कि उसके पेरेंट्स ने उसके बाल पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया तो इसका मतलब उसका हाइट बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होती है, लेकिन मान लो कि थोड़ा सा हाइट बढ़ गया सपोज, ठीक है बेटा, जैसे इधर से मान लो, अच्छा ठीक है, ये तो उल्टा लटका दिया बेटा ऊपर की तरफ खींचने का, जैसे बुक को ऐसा उल्टा कर लेते भाई, ऐसा है मतलब ग्राउंड की तरफ है ऐसा करके खींच लिया। ओके, हर जगह पे फिजिक्स, यस हर जगह पे फिजिक्स एवरीवेयर, बिकॉज इज ए फिजिकल साइंस। ओके बेटा, ऐसा खींच लिया तो इसका मतलब हाइट थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक। तो वो जो चीजें होंगी वो वाला होता है डेल्टाइल। तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन पता, लेंथ वाइज, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके बेटा क्लियर। अच्छा फिर देखोगे, मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है बेटा। जब कोई डिफेंस में कहीं पे जाके क्या होता है ना, जैसे कोई किसी के घर में गया तो उसका पेट बहुत भरा हुआ है, ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं कि शर्म के मारे पेट को अंदर करने का कोशिश करते हैं, जितना अंदर चला जाए, क्योंकि उसको कोई बोल रहा है कि पेट तुम्हारा देखो कितना बड़ा ये हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, पेट को अंदर करने का कोशिश करते हैं। इवन मान लो कोई एग्जाम वगैरह देने जाता है फिजिकल के, उस केस में वो क्या देखते हैं कि अच्छा अच्छा पेट को अंदर करो, तो क्या करते हैं, वो अंदर की तरह एक फोर्स लगाते हैं, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कि जितना कम हुआ ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये चीज होता है, जैसे देखो क्या होता है ना, जैसे योगा में होता है कि नहीं बेटा, जैसे पेट को फिर फुलाता है, फिर घटाता है, फुलाता है, घटाता है ना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटा। अभी दूसरी एक बात होती है कि अनदर स्ट्रेन की बात होता है, किसी ने हाथ मोड़ दिया, किसी ने मतलब ऐसा करके ट्विस्ट कर दिया किसी के बॉडी को, तो कुछ एंगल ही तो हुआ ना,
उस थीटा एंगल को, जैसे मान लो इसी को ही मोड़ छोड़ देंगे तो क्या होगा, पहले ऐसा था ऐसा फोर्स दिया तो क्या होगा, ई वाला पोर्शन ऐसे हो जाएंगे, नीचे वाला बेस तो फिक्स है तो ट्विस्ट हो गया, तो इतनी एंगल चला गया। इस एंगल को क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन, वो क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल होगा। ठीक है बेटा। अच्छा फिर मान लो कि एक होता है इलास्टिक लिमिट, बेटा जैसे पेरेंट्स ने डांटा, तुमने पढ़ने लगा, ठंडा बंद कर दिया, तुम वापस आ गए। ठीक है बेटा। तो वो जो चीज होता है, वो जो अपर लिमिट तक ही फोर्स देते हैं, तो बच्चे मान लो अपना पोजीशन में वापस आ जाते हैं, लेकिन मान लो उससे ज्यादा फोर्स दिया तो क्या होगा, बच्चे ने पढ़ नहीं लगेगा, पेरेंट्स मार्केट चला जाएंगे तभी बच्चे ने पढ़ने लगेगा। क्या होता है बेटा, पेरेंट्स ने ऑफिस चला गया, तुम्हारा बुक बंद हो गया, ये कब होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, पेरेंट्स ऑफिस चला गया, तुम्हारा भी बुक बंद हो गया, इट इज इन इलास्टिक लिमिट, घर आया फिर खोल गया। ठीक है बेटा, लाइक दैट। तो जैसे ही फोर्स दिया तो बुक ओपन हुआ, फोर्स बंद कर दिया तो बुक क्लोज हो गया। ठीक है बेटा। लेकिन मतलब ज्यादा मतलब ये हो गया, लिमिट के बाहर चला गया तो क्या होगा, वापस नहीं आ पाते हैं, फिर देखते हैं नहीं मतलब अभी तो इतनी पिटाई किया था, दूसरे बार पिटाई होगी तो हमारा पूरा बदन सूख जाएंगे। ठीक है ना, भूल जाएंगे, सारे दोस्त हमको देख लेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि हमारा बहुत धुलाई हुई थी, पिटाई हुई थी। ठीक है ना, तब क्या होता है, पढ़ने लग जाते हैं, वो होता है क्या, परमानेंटली डिफॉर्म रहते हैं, परमानेंटली बुक खुला रहता है। ओके, दैट इज कॉल जो इलास्टिक लिमिट का बाहर। लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब तुमने स्ट्रेस खत्म कर दो अपने पोजिशन में वापस आ जाएगा। ओके, क्या लिखा है, अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू हिच, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव इट विल कम टू हिस ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, स्टोरी टाइप का चैप्टर है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है बेटा, ई के ई तो हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो नाउ विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके बेटा, हमने ये कॉपी बना लिया, इसका मतलब हर दिन बेटा लेट में ज्वाइन मत करना, थोड़ा टाइम में ज्वाइन कर लेना बेटा। ओके, मैं कॉपी बना के रख दिया, कोई बच्चे को कभी डाउट होगा सेकेंड बुक से हम लेकिन उन लोग को रिपीटेड आप बताएंगे, 10-5 मिनट के अंदर ही बता देंगे, बिकॉज पेज ढूंढने में टाइम लग रहा था, तब ये स्पाइरल बाइंडिंग हो गई। अच्छा ओके, पाकी थोड़ा समझ में आ गया बेटा, जो जो लास्ट में ज्वाइन किए थे समझ में आ गया, फिर जो जो लास्ट में ज्वाइन किए थे समझ में आ गए।